So, what are the leadership skills in the classroom and what makes a good leader? So, because we have been discussing the characteristics of leadership, now we will see how within the classroom, because we have uh, been about macro system and meso system, but now we are talking about classroom. Ki baat kar rahe Our young leaders have to be communicative skills and trustworthy nature. तो क्लासरूम के अंदर हमने उनको कम्युनिकेट करना सिखाना है और ये देखना है कि वो बच्चे जो कम्युनिकेट कर सकते हैं वो अच्छे लीडर हो सकते हैं वो ट्रस्ट वर्दीनेस तो हर वो बच्चा जो उनसे बात कर रहा है हर वो जो उस्ताद उनसे बात कर रहा है वो उस पर ट्रस्ट कर सकता हो ठीक है अच्छे लीडर्स ट्रस्ट करते हैं तो डिफरेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डेलीगेट करते हैं कन्विंस करते हैं टीम बिल्ड करते हैं ट्रस्ट के बग़ैर तो कोई टीम बिल्ड नहीं होती ना देन दे शुड बी क्रिएटिव एंड फ्लैक्सिबल और वो जो बच्चे हैं उनको नए चीज़ें तो सोचनी ही हैं लेकिन इसके साथ साथ फ्लैक्सीबल भी रहना है ज़ाहिर है उसको डिफरेंट सिचुएशंस का सामना हो सकता है क्लास के अंदर भी तो फिर उसको फ्लेक्सीबिलिटी अपनानी है वो ऐसा नहीं है कि ये ट्रॉय मेरा है तो मेरा ही रहेगा ये कॉर्नर मेरा है तो मेरा ही रहेगा मुझे ये करना है तो मैं यही करूँगा उनको फ्लेक्सीबिलिटी सिखानी है उनको कंप्रोमाइज़ सिखाना है

और पॉजिटिव रहें सबसे बड़ी बात पॉजिटिविटी है और पॉजिटिविटी क्लासरूम एक्टिविटीज़ में एजुकेटर पैदा कर सकता है कि भाई वो किसी भी फैनमिना को कुछ भी हुआ है उसके अच्छे पहलुओं की तरफ बच्चे की तवज्जो दिलवाए ना कि उसके बुरे पहलुओं पे बात करें और तो और बच्चे की अपनी जो पर्सनल स्ट्रेंथ्स हैं उनको सामने लेके आए ना कि वो बच्चे की कमजोरियों को या दूसरों की कमज़ोरियों को उजागर करें सो कमिटेड एंड लर्ड बाय एग्जाम्पल हमारे यंग लीडर्स को अपने टास्क में वट एवर द टास्क दे आर गिवन बाय देर एजुकेटर्स एंड बाय देर पीयर्स शुड बी कमिटेड तो अब कैसे उनको एग्जाम्पल सेट करनी है और उनको सीखना है कि किस तरह से हम वो ऐसा कुछ करें कि दूसरे भी हमें देख के वही चीज़ें करें लीडर्स ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर रोल्स देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है लीडर जो है उसको अगर एजुकेटर लीडर बना सकता है तो सिर्फ एनकरेजमेंट के साथ तवज्जो के साथ और हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ बना सकता है अगर वो ये अपने बच्चे से कहे तुम ये कर सकते हो तुम तो बड़े समझदार हो तुम बड़े इम्पोर्टेंट हो इस क्लास के लिए तुम तुम्हारा रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए जो आप कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता आप बच्चे को ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे उससे तो उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ पैदा होंगी तो उसको अपने रोल्स का अंदाज़ा होगा सो ऑलवेज बिकम एन इंडिपेंडेंट थिंकर कोशिश ये होनी चाहिए कि आप बच्चों को सोचने में लीड ना करें बच्चे खुद से सॉल्यूशंस दें वो डाइवर्जेंटली सोचें कि, कि किसी मसले का क्या क्या हल हो सकता है या किसी चीज़ को कितने कितने तरीक़ों से किया जा सकता है और हाँ फिर जब उनकी वापस कन्वर्जन होनी है उस वक्त आप उनको हल बता सकते हैं कि हाँ ये सबसे अच्छा रहेगा ये वाली तजवीज़ आपकी सबसे बेहतर है पहले उनसे पूछें ताकि वो एक अच्छे लीडर की तरह मुख्तलिफ सिचुएशंस को उनके तमाम हल सोचने की कोशिश करें देन अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क एज पार्ट ऑफ अ टीम एक बहुत बड़ी स्किल है जब आप टीम में काम करेंगे तो सबसे पहला तो विदिटनेस होगी कि मैं इनके साथ हूँ बिलोंगिंगनेस मैं इनसे ताल्लुक रखता हूँ ये मेरे से ताल्लुक रखते हैं इनके ख्यालात मेरे ख्यालात हैं इनकी स्ट्रेंथ्स मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और इनकी वीकनेस मेरी वीकनेस है जब ये बॉन्ड या अंडरस्टैंडिंग और ये रिलेशनशिप मजबूत होगा तो एक टीम बिल्ड होगी और फिर इसके अंदर कंप्रोमाइज़ भी हैं इसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी भी है इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ऑल्ट्रोइस्टिक बिहेवियर भी कहते हैं कि फिर दूसरों की जो जहाँ जहाँ डेफिशेंसीज हैं उनको पुरबी आपने करना है जो दूसरों के मसाइल हैं उनके भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने मसाइल के भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं आप मिल के उनको दूर करने की कोशिश करेंगे देन ऑलवेज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अदर्स और हमेशा एक बच्चा एज ए लीडर दूसरों के लिए पॉजिटिव रहे कोशिश उसकी ये होनी चाहिए कि वो कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को बुरी बात ना कहे और किसी से कोई चीज़ छीने नहीं किसी के हकूक को वायोलेट ना करें तो अच्छे एजुकेटर्स जो हैं वो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ बच्चों में पैदा कर सकते हैं अपनी क्लास के बीच में कि उनको एक पूरा इन्वामेंट इस तरह का दिया जाए डिफरेंट ग्रुप वर्क्स उनके करवाए जाएं जिसमें वो टीम और टीम लीडर के तौर पर काम करें ताकि वो सीखें लेकिन एक बात जहन में रखिएगा लीडरशिप क्वालिटीज़ क्लासरूम के अंदर बेहतरीन तौर पे डेवलप की जा सकती हैं क्योंकि वहीं आपका क्लास का ग्रुप मौजूद है और लीडर अकेला लीडर नहीं होता उसको ग्रुप की जरूरत होती है वहीं पे उसने अपने सारे एक्शंस करने हैं वहीं पे उसने अपनी सारी एबिलिटीज़ को शो करना है और अपने जो अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसका इजहार करना है उसने ये एक बेहतरीन फोरम है और फिर सबसे बढ़ के ये कि ये एक गाइडेड फोरम है एजुकेटर क्लास के अंदर मौजूद है उसे पता है कि इस वक्त चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं कौन क्या कर सकता है और किस तरह से उसकी सलाहितों से फ़ायदा उठाया जा सकता है